नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं जालौन की कुछ खबरों की ओर। जालौन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में अवैध रूप से बन रही देशी शराब के कारोबार पर पूर्णतः रोक लगाने को लेकर आबकारी विभाग की टीमों ने कमर कस ली है। आबकारी विभाग की टीमों ने गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारकर जहरीली शराब बनाने वाले लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। जहरीली शराब बनाने वाले कारोबारियों पर विभाग ने नकेल कसते हुए इन पर आबकारी विभाग एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। एमपी यूपी बॉर्डर से सटे आधा दर्जन गाँव में आबकारी विभाग ने कराई मुनादी, चस्पा किए पोस्टर, माइक से अलाउंस कर अवैध व मिलावटी शराब के खिलाफ ग्रामीणों को किया जागरूक। रेंडर थाना क्षेत्र में एमपी यूपी बॉर्डर से सटे गांवों में कराई मुनादी। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर यशवीर सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए बताया कि अवैध एवं मिलावटी शराब बनाने वाले इस कारोबार से जुड़े आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने गांव-गांव में आबकारी विभाग के साथ पुलिस टीम भेजकर मुनादी कराई एवं ग्रामीणों को जहरीली शराब न पीने के प्रति जागरूक किया। जालौन से संवाददाता अमित कुमार यादव की रिपोर्ट।